स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आइए सुनते हैं यशपाल की लिखी फूलों का कुर्ता। हमारे यहाँ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ी की तलछटी में है तो दूसरा उसकी ढलान पर। बंकू साह की छप्पर से छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देती है। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे बच्चे खेलते हैं और ढोर बैठकर जुगाली भी करते रहते हैं। सुबह से जारी बारिश थमकर कुछ धूप निकल आई थी। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की जरूरत थी। घर से निकल पड़ा कि बंकू साह के यहां से ले आऊं। बंकू साह की दुकान के बरामदे में 5-7 भले आदमी बैठे थे। हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे कीड़ा कीड़ी का खेल खेल रहे थे। साह की 5 बरस की लड़की फूलो भी उन्हीं में थी। 5 बरस की लड़की का पहनना और ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई गांव से फरलांग भर दूर चूला गांव में संतु से हो गई थी। संतु की उम्र रही होगी यही 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा, घर में 2 भैंसे 1 गाय और 2 बैल थे। ढोर चरने जाते तो संतु छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेलता भी रहता। ढोर काहे को किसी के खेत में जाए, सांझ को उन्हें घर हांक लाता। बारिश थमने पर संतु अपने ढोरों को ढलवान की हरियाली में हांक कर ले जा रहा था। बंकू साह की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो उधर ही आ गया। संतु को खेल में आया देख सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, आहा फूलों का दूल्हा आया है। दूसरे बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगे। बच्चे बड़े बूढ़ों को देखकर बिना बताए समझाए भी सब कुछ सीख और जान जाते हैं। फूलों 5 बरस की बच्ची थी तो क्या, वो जानती थी दूल्हे से लज्जा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को, गांव की सभी भली स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलों लजा गई थी, परंतु वो करती तो क्या, एक कुर्ता ही तो उसके कंधों से लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुंह छिपा लिया। छप्पर के सामने हुक्के को घेर कर बैठे प्रौढ़ आदमी फूलों की इस लज्जा को देखकर कहकहा लगाकर हंस पड़े। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर कुर्ता नीचे करने के लिए समझाया। शरारती लड़के मजाक समझकर हो हो करने लगे। बंकू साह के यहां दवाई के लिए थोड़ी अजवाइन लेने आया था, परंतु फूलों की सरलता से मन चुटिया गया, यूं ही लौट चला। बदली परिस्थिति में भी परंपरागत संस्कार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में क्या से क्या हो जाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।